नमस्कार प्यारे साथियों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी द्विवेदी आज आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, वह पॉलिटिकल से संबंधित है और उस टॉपिक का नाम है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन व्यवस्था। क्या नाम है प्यारे साथियों? संसदीय शासन व्यवस्था आज का हमारा टॉपिक है। संसदीय शासन व्यवस्था, इसे इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा और किसी भी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यदि आप किसी वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप उस वीडियो के सार चीज़ों को समझने पाएंगे कि उस वीडियो में किन किन बातों को जानकारी दी गई है और कितने तथ्य मैं इसमें आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। तो एक मैं अगर बात करूं कि विश्व के पूरे वर्ल्ड के यदि गवर्नमेंट को डिवाइड करने की बात अगर आती है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर विश्व के शासन व्यवस्था को, विश्व के गवर्नमेंट को, विश्व के सरकार को, शासन व्यवस्था को, रूल्स रेगुलेशंस को विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर, मीन्स लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के रिलेशन के बेस पर वर्ल्ड्स के गवर्नमेंट को टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला जो वह है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन व्यवस्था। ये जो संसदीय शासन व्यवस्था होता है, इसमें शासन व्यवस्था के दो प्रमुख होते हैं। इसमें शासन व्यवस्था के कितने प्रमुख होते हैं? इसमें शासन व्यवस्था के जो है दो प्रमुख होते हैं। यहां पर एक राज्य का मुखिया होता है और एक सरकार का मुखिया होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। राज्य का मुखिया अलग और सरकार का मुखिया अलग होता है संसदीय शासन व्यवस्था में। और यहां पर जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका ही शासन का प्रमुख माना जाता है। कार्यपालिका ही शासन का प्रमुख माना जाता है, क्योंकि आप देखे होंगे कि लोकसभा में जब कोई राजनीतिक दल जीत करके जाती है, भारत के संदर्भ में आपको बता रहा हूँ संसदीय शासन व्यवस्था, क्योंकि भारत में भी संसदीय शासन व्यवस्था है, ब्रिटेन से भारत में लिया गया है संसदीय शासन व्यवस्था, है ना, भारत में ब्रिटेन से संसदीय शासन व्यवस्था का सोर्स लिया गया है, तो हम भारत के संसदीय शासन व्यवस्था को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि हम यहीं के रहने वाले हैं तो यहाँ की चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो जैसे लोकसभा चुन करके जाती है, तो जो राजनीतिक दल बहुमत में आता है लोकसभा में, वे अपना एक नेता चुनते हैं और उस नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर देता है। तो प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। अब प्रधानमंत्री क्या करता है कि प्रधानमंत्री कुछ लोगों को लोकसभा में से लेगा, कुछ लोगों को राज्यसभा में से चुनता है, और जिनको प्रधानमंत्री चुनता है उसे कार्यपालिका कहते हैं, उसे मंत्रिपरिषद कहते हैं। जो मंत्रिपरिषद एक राजनीतिक कार्यपालिका है, तो एक कार्यपालिका होते हैं और उस मंत्री परिषद में तीन मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, मतलब प्रधानमंत्री को लेकर के और तीनों मंत्रियों को शामिल करके ये मंत्री परिषद का निर्माण होता है, यही आपके जो है कार्यपालिका होते हैं। तो शासन का प्रमुख यहां पर कार्यपालिका ही होता है। अब यहां पर देखा जाए अगर, तो जो मंत्रिमंडल होती है, क्योंकि मंत्रिमंडल किसे कहते हैं, तो मैं आपको एक वीडियो बना चुका हूं इसके ऊपर कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर, कि मंत्रिमंडल जो होते हैं मंत्रिपरिषद का एक छोटा सा भाग है। जैसे धन विधेयक वित्त विधेयक का एक छोटा सा भाग होता है, वैसे ही जो है आपका यहां पर मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का एक छोटा सा भाग होता है। तो मंत्रिपरिषद जो है आपका यहाँ पर, जो मंत्रिपरिषद बड़ा रूप है, मंत्रिमंडल एक छोटा रूप है। तो मंत्रिमंडल मतलब मंत्रिपरिषद में तीन मंत्री आ गए, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, और सभी मंत्रालय के केवल कैबिनेट मंत्रियों को मिलने से मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। तो मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री और उप मंत्री को शामिल नहीं किया जाता है, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। तो जो मंत्रिमंडल की जो गोपनीयता होती है, मंत्रिमंडल की जो कार्यवाही होती है, उसकी गोपनीयता बनाए रखा जाता है संसदीय शासन व्यवस्था में। संसदीय शासन व्यवस्था में शासन व्यवस्था के दो प्रमुख होते हैं, मैंने आपको बताया, एक रियल हेड और एक नॉमिनल हेड होते हैं। एक रियल हेड और एक नॉमिनल, एक वास्तविक प्रमुख और एक नाम मात्र के प्रमुख।
तो यहाँ पर जो भारत में राष्ट्रपति हैं वे नाम मात्र के प्रमुख हैं, मतलब केंद्र सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर का वे नॉमिनल हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, नाम मात्र के प्रमुख है। उनके शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? तो उनके शक्तियों का प्रयोग जो है प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति के शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो राष्ट्रपति के शक्ति का प्रयोग जो है सो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। समझ गए? शासन व्यवस्था के दो प्रमुख, वास्तविक प्रमुख और नाम मात्र के प्रमुख, ये दोनों चीजें आपको याद रखना है कि संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, तो दो प्रमुख होते हैं, एक वास्तविक प्रमुख और एक नाम मात्र के प्रमुख। तो वास्तविक प्रमुख को यहाँ पर आपका प्रधानमंत्री हो गया। यह क्या हो गया प्यारे दोस्तों, यह जो हो गया आपका जो है सो वास्तविक प्रमुख हो गया यह, और एक होता है आपका जो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या हो जाता है? तो नाम मात्र का प्रमुख हो जाता है यह, मतलब नॉमिनल हेड होता है और यह रियल हेड होता है, रियल हेड वास्तविक प्रमुख होता है। समझ गए? संसदीय शासन व्यवस्था जो होता है इसका एक मॉडल होता है संसदीय शासन व्यवस्था में, कि संसदीय शासन व्यवस्था का मॉडल जो है यह लोकतंत्र में, विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में संसदीय शासन व्यवस्था ही है। विश्व के मैक्सिमम लोकतांत्रिक कंट्रीज में, मैक्सिमम डेमोक्रेटिक कंट्रीज में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही फाउंड किया जाता है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर भी है वहां पर राज्य के, मतलब शासन के, किसी भी देश के सरकार को, राज्य को सुशासित तरीके से संचालित करने के लिए एक मॉडल होता है, और उस मॉडल के रूप में एक वहां पर काम करता है शक्तियों का पृथक्करण। क्या काम करता है प्यारे दोस्तों? शक्तियों का पृथक्करण, एक नया शब्द आता है। तो शक्तियों का पृथक्करण में अगर मैं आपको बता दूं तो इसका मतलब होता है कि सेपरेशन ऑफ पावर। क्या होता है इसका मतलब? शक्तियों का पृथक्करण, एक मॉडल माना जाता है इसे। क्या मानते हैं इसे? मॉडल माना जाता है इसे, ठीक ना, मॉडल है ना राज्य के सुशासन का यह एक मॉडल माना जाता है शक्तियों का जो है पृथक्करण। क्या बोलते हैं? पृथक्करण बोलते हैं इसे, पृथक्करण बोलते हैं। तो यह जो है सो पृथक्करण जो होता है आपका, यह एक जो है सो आपका शासन का वो है, मतलब मॉडल है शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण का जो सिद्धांत है, शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत जो है यह इसे किसने दिया था? तो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत जो है सो सेपरेशन ऑफ थ्योरी प्रोवाइडेड बाय मॉन्टेस्क्यू ने दिया था प्यारे दोस्तों। किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था प्यारे दोस्तों। तो सेपरेशन की थ्योरी है क्या? तो देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ शक्तियां बांट दी जाती हैं। यहाँ पर ये नहीं होता है कि यहाँ पर जो है जो यहाँ का जो सरकार है, यहाँ पर सरकार तानाशाह हो जाती है। नहीं, जहाँ भी संसदीय शासन व्यवस्था है वहाँ पर शक्तियों का बंटवारा होता है। मतलब शक्तियों का बंटवारा किनके बीच में? तो आप देख रहे हैं शक्तियों के पृथक्करण का मतलब आप समझ जाएंगे कि पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन, शक्तियों का पृथक्करण मीन्स पावर्स आर डिवाइडेड, सेपरेशन ऑफ पावर्स मीन्स पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब सरकार के तीन अंगों में शक्तियों का विभाजन होता है, स्पष्ट तरीके से विभाजन होता है। तो सरकार के तीन अंग कौन कौन से होते हैं प्यारे दोस्तों? तो सरकार के तीन अंग होते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, मीन्स लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जो विधायिका होता है वह लेजिस्लेटिव होता है, जो कार्यपालिका होता है वह एग्जीक्यूटिव होता है, जो जुडिशरी है वह न्यायपालिका होता है। तो मेन वर्क ऑफ लेजिस्लेटिव मेकिंग ऑफ लॉज, विधायिका का प्रमुख कार्य कानून को बनाना है। मेन वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव रेगुलेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कार्यपालिका का प्रमुख कार्य उसी कानून को लागू करना है। और न्यायपालिका जो आपका है जुडिशियरी, न्यायपालिका जो जुडिशियरी है उसका सबसे बड़ा काम है कि मेन वर्क ऑफ जुडिशियरी इंटरप्रेट एंड फॉलो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इंटरप्रेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
न्यायपालिका का सबसे बड़ा काम है कि वह कानून की व्याख्या भी करता है, कानून का व्याख्या भी करता है और उसका पालन भी करता है। प्यारे दोस्तों, तो ये शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के तहत जो सरकार के तीन अंग होती हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है संसदीय शासन व्यवस्था में। तो मैंने संसदीय शासन व्यवस्था में और क्या होता है यहाँ पर, तो संसदीय शासन व्यवस्था में प्यारे दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ की सरकारें जो होती हैं वह वहाँ पर जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है, क्योंकि लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुन करके जाते हैं। तो जनता के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जो वे वादे करके जाते हैं उनको निभाना उनके लिए जरूरी हो जाता है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो अगले चुनाव में उनको विजय हासिल नहीं होता, वे पराजित हो जाया करते हैं, अक्सर ऐसा देखा जाता है। प्यारे दोस्तों, संसदीय शासन व्यवस्था की और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे आपने देखा होगा कि संसदीय शासन व्यवस्था जब भारत में हमारे यहाँ है तो हमारे यहाँ विपक्ष को भी कुछ अधिकारें प्रदान की जाती हैं। यही संसदीय शासन व्यवस्था का मोटो है, यहाँ पर जो विपक्ष है, जो ऑपोजिशन पार्टी है, उसे भी कुछ राइट दिया जाता है। लेकिन ऑपोजिशन पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि वह टोटल सीट्स के 1/10 सीट्स कम से कम जीता हो, वह ऑपोजिशन पार्टी का दर्जा पाने का हकदार हो जाता है। जहां भी संसदीय शासन व्यवस्था है वहां पर जब चुनाव होते हैं लोकतंत्र में, तो सभी राजनीतिक दल मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं। मोबिलाइज जब करते हैं मतलब लाम बंद करने की कोशिश करते हैं, लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, और यह राज्य के सुशासन का यह राजनीतिक चेतना का कार्य करता है लोगों के बीच। लोग राजनीतिक रूप से जागरूक होते हैं तो राजनीतिक चेतना का भी काम होता है आपका संसदीय शासन व्यवस्था में। संसदीय शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता तो यह भी है कि यहाँ का जो कार्यपालिका है ना, वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। याद रखिएगा, याद लिख लीजिएगा प्यारे दोस्तों अपने कॉपी में, कि जो कार्यपालिका होती है संसदीय शासन व्यवस्था में वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। प्यारे दोस्तों, इतनी बातें संसदीय शासन व्यवस्था से बता रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं छूट सकता है, एक भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता। अगर क्वेश्चन एग्जाम में देगा तो क्वेश्चन यही एग्जाम में देगा, इनमें से कौन संसदीय शासन व्यवस्था का लक्षण नहीं है। यह बीएड में भी पूछ सकता है, एलएलबी में भी पूछ सकता है, या बीए में भी पूछ सकता है, या अदर एग्जाम में भी पूछ सकता है, क्योंकि टेट और सीटेट में भी वहां पर भी शासन का स्वरूप पढ़ना है आपको। तो वहां के भी शासन के स्वरूप में जो सीटेट का शासन का स्वरूप है वह पॉलिटिकल के तहत एक टॉपिक तहत आता है, सीटेट में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे वहां पर भी ये चीजें पढ़ने हैं आपको। तो वही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ की जो कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल ऑन लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी, क्योंकि चुनी हुई जो विधायिका है वह जनता के द्वारा चुन करके गई है और कार्यपालिका के लोग प्रमुख हैं, तो यहां पर उन्हें जवाब देना पड़ता है विधायिका में आकर के। ये जो है सो संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं मानी जाती हैं। यहाँ की सरकारें जो होती हैं वे लचीली होती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती हैं, अस्थायित्व तो नहीं पाया जाता, कभी भी सरकारें गिर सकती हैं। यहाँ की संसदीय शासन व्यवस्था की सरकारें क्या हो सकती हैं, गिर सकती हैं कभी भी, क्योंकि यहाँ का जो सरकार होता है लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है, और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव अगर होगा तो वहाँ पर जो है सो कभी कभी अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो लचीली सरकारें होती हैं और स्थिर सरकारें होती हैं, और सरकारें कभी कभी गिर जाया करती हैं। एक विशेषता माना जाता है कि यहाँ पर निरंकुशता ऊपर अभाव तो खैर होता ही है, क्योंकि यहाँ पर शासन अपने मनमाने तरीके से शासन को संचालित नहीं करने पाते। प्यारे दोस्तों, एक देश का मैं नाम बता दूं, यह जो आप देख रहे हो कि शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर की जो थ्योरी है, इसे अपनाने वाला विश्व का पहला ऐसा देश अगर कोई है तो वह देश है आपका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पहला ऐसा यह देश है जहां पर सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी अपनाया गया था। और यह जो सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी है, इसके सपोर्ट में एक और थ्योरी काम करता है प्यारे दोस्तों, जिसका काम है अवरोध और संतुलन, मतलब चेक एंड बैलेंस,
मतलब कोई भी सरकार का यदि अंग अपने आप को शक्तिशाली बनाने की कोशिश करेगा, दो अंगों की अपेक्षा अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली समझेगा, तो दोनों अंग मिल करके उसके पैर को खींच देते हैं, अवरोध करते हैं, मतलब रोक लगा देते हैं और संतुलन में लाने का कोशिश करते हैं। यही स्थिति तीनों में लागू होता है, तो अवरोध और संतुलन इसी के सपोर्ट में कार्य करता है सिद्धांत। लेकिन ये जरूर याद रहना चाहिए बीएड एंट्रेंस के लिए, BA, BHU, BA एंट्रेंस के जो बच्चे हमारे होंगे वे जब पढ़ रहे होंगे, या LLB के जो बच्चे हैं वो जब पढ़ रहे होंगे इस क्वेश्चन को बखूबी अगर प्रीवियस ईयर का पेपर देखे होंगे, यह क्वेश्चन पूछा गया है कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के प्रतिपादक किसे माना जाता है, तो मोंटेस्क्यू को माना जाता है प्यारे दोस्तों। किसे बोलते हैं? मोंटेस्क्यू को बोलते हैं। समझ गए? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया प्यारे दोस्तों, इसे आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है ना। अब अगर बात करें संसदीय शासन व्यवस्था का कुछ दोष अगर देखें, तो इसमें जो दोष होता है संसदीय शासन व्यवस्था में, इसकी एक दोष यह होती है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री को जो शक्ति होता है वह असीमित शक्ति दे दिया जाता है प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री को जब ज्यादा शक्ति दे दिया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि मंत्रियों में कभी कभी अगर गठबंधन का सरकार है तो मंत्रियों में तारतम्यता नहीं बनने पाता, इसलिए सरकारें गिरने की गांव और ज्यादा बढ़ जाते हैं। वहां पर संसदीय शासन व्यवस्था की अवगुण यह भी है प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर अस्थिर सरकारें होती हैं, सरकारें अगर गठबंधन की बनी है तो कभी भी गिर सकती हैं, और अगर पूर्ण बहुमत की बनी है तो गिरता नहीं है, यह भी एक जो है सो इसकी दोष माना जाता है प्यारे दोस्तों। और अगर दोष में हम देखें तो यहाँ पर कार्यपालिका और विधायिका में घनिष्ठ संबंध होता है प्यारे दोस्तों, तो कार्यपालिका और विधायिका में घनिष्ठ संबंध जो होता है संसदीय शासन व्यवस्था में, तो यहाँ पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है, सेपरेशन ऑफ पावर की जो थ्योरी है, यह सही तरीके से लागू जो है नहीं होने पाता है। समझ गए? ये भी एक बात यहाँ पर है। और दलबंदी जरूर याद रखिएगा दोस्त में, कि जो दलबंदी है, दलबंदी मतलब विभिन्न राजनीतिक दल जो होते हैं वे आपस में उनमें लड़ाई होने लगता है, क्योंकि लोग अगर गठबंधन की सरकारें हैं तो लोग सरकार को गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि हर कोई अपने स्वार्थ के चलते, स्वार्थ लोलुपता के चलते राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बने रहना चाहता है, पद पर आसीन रहना चाहता है, यह एक कमी होती है संसदीय शासन व्यवस्था की प्यारे दोस्तों। तो ये आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखा, जिस टॉपिक का नाम था संसदीय शासन व्यवस्था। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि अब वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखते हैं हाँ या ना, हाँ लिखते हैं तो भी मुझे थोड़ा सा अपने आप में अच्छा लगता है कि मैंने जो पढ़ाया वो बातें बच्चों तक पहुंचने पाया। अगर बच्चे आप कमेंट में अगर नहीं भी लिखते, मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं और बेटर करने की कोशिश करता हूं, जिससे कि और अगले वीडियो में आपको मैं अच्छे तरीके से समझा सकूं प्यारे दोस्तों। और वीडियो को खूब से खूब जितना हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों। तो आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।